अच्छा मुझे बताओ, आपको पनौते क्यों बोलते थे? ओ? ये हमारी मेल्टेड चीज वाली हो, एंड ये हमने साथ में अपने फ्राइज ऐसे रख दिए हैं। गाइस शुरू करते हैं देसी बर्गर बनाना। हमने जो बन लिया उसमें ऑलरेडी कट लगा हुआ है, राइट। एंड अब हम लेके सीख, ये मैंने लिया है आपकी मेगा से गोदरेज ब्रांड की आती है, तो इसको हम बीच में से बिल्कुल सेंट्रली हमने ये चिकन सीख है, इसको बीच में से यू कट करना। हम लेके दो नंबर हम बना रहे हैं प्योर बटर के अंदर। तो बटर जब आपका गर्म हो रहा हो ना, उसको पहले बार फैला लो, चाहे ये आपका हो, हमारा ये है नॉनस्टिक, लेकिन नॉनस्टिक होने के बावजूद ना एक बटर का अलग से फ्लेवर आता है। जरा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे कि जले ना हमारा ये बटर। जरा सा हमने मिला लिया, बटर की खुशबू बनी रहेगी इसमें। हमने इसको पूरा अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब हम डाल रहे हैं अपनी सीख इसमें, सॉटे करेंगे हम लोग इसको। तक ये थोड़ा पकता है, मैं अपना बन पूरा ही सेपरेट कर दिए। बड़ा जल्दी बन जाता है बर्गर आपके घर में, अगर बच्चे हैं वो वेट नहीं कर सकते तो ये आप मतलब जल्दी बना सकते हो। हमारी वजह से भी तो जल्दी वाली है, मतलब घर में कोई आया हो, कोई गेस्ट आया हो तो आप ये जल्दी बना सकते हो। मैंने गैस ऑफ कर दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अनियन डाले जो हमने चॉप करे अभी, हल्की सी इसमें हम डालेंगे हरी चटनी और डालेंगे क्रीम। क्रीम डाली हमने इसमें और हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, राइट। अब उसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो सैलेड अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। भाई सीख हो गई है, थोड़ा टाइम वो लगेगा, फिर हम इसमें अपने जो हुए मेखे से मात्र, आप ये अगर घर में बना रहे हो तो ये 3-4 मिनट में आप बढ़िया सा सीख बर्गर बच्चों को खिला सकते हो। गेस्ट आए एकदम से तो बस बन लिया या फिर ब्रेड भी ली तो ये बर्गर अच्छे से बना सकते हो। सीख तो फ्रिज में आपकी 3-4 मिनट तक ठीक रहती है। किस किस को ये बर्गर, किसी ने सीख बर्गर कभी खाया तो बताओ। ये मैं अपना जो भी कुक करो ना, मेरा जो एक्सपीरियंस है स्ट्रीट फूड का, जितने मैंने खा रखे हैं उनसे यूज़ करो। सीख बर्गर मैंने काफ़ी जगह खा रखा है और मेरा फेवरेट सीख बर्गर सुशील अंकल का करोल बाग का, जिन्होंने सबसे पहले ये बर्गर चालू करा था। ये हमारे सीख तैयार हो गए हैं, तो हमने अपने सीख सेपरेट कर लिए हैं और हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग अभी अपने बन टोस्ट करेंगे। जो बचा हुआ आपका बटर और ऑयल है उसी में यूज करेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो हमारा ऑयल या बटर बच गया था सीख को सीखने के बाद, वो हम यूज़ कर रहे हैं अपने बन गरम करने के लिए। आई थिंक बन कोई भी यूज़ कर सकते हो, पाव भी यूज़ कर सकते हो मुंबई से हो, लेकिन जो सेसमी वाले बन होते हैं ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। आपको किस टाइप के बन पसंद है मुझे लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में, और आपको किस टाइप का बर्गर पसंद है और घर में किस टाइप का बर्गर बनाते हो आप लोग वो भी मुझे बताओ। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये फूड एक्सप्लोरिंग चैनल पे कुकिंग की और काफ़ी लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट है, आपका घर में खाना बनाते हो या फिर आप कभी कुकिंग करते हो, तो ये एक थोड़ा एक्सपेरिमेंट वीडियो है कि हम लोग शोकेस करना चाहते हैं कि जो मेरा स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस अगर आप घर पे बनाओ तो कैसी चीज़ बनेगी। तो बन हमारे ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए हैं एंड हमने बन साइड कर दिए। अब हम लोग इसमें थोड़ा चीज़ डालना है हमने, तो हमने जो सीख जो हमने थोड़े पका लिए उसको वापस डाल रहे हैं। मैं इसको इस पर ऊपर डाल रहा हूँ और छोटा सा एक काम करेंगे, ज़रा सा पानी डालेंगे इसमें कि थोड़ा यहाँ पे एक स्टीम बात क्रिएट हो जाएगा और उस स्टीम से ये पक जाएगा। स्टीम बात करेगा मैं इसका, इससे क्या होएगा स्टीम बात से कि जो चीज़ है ना ऊपर पिघल जाएगा बिना उसको कुक करे, सीख को और के जले ना। हमने टेम्परेचर लो कर दिए और स्टीम के अंदर हम सीख को पका रहे, जो चीज़ है वो पिघल जाएगा, क्रिस्पीनेस बिल्कुल खत्म नहीं होगी चीज़ की। चीज़ आप देखो पिघल गया, ये देखो बिल्कुल मेल्टेड चीज़ है, वाह। इसको हमने ऑफ कर दिया यहाँ से, इसको उतार लेंगे। ये हमारी मेल्टेड चीज़ वाली हो सीख बच्चों, कितना अच्छा लगेगा देसी फ्लेवर। तो ये है हमारा तैयार
देसी बर्गर। तो हमारे पास कुछ फ्राइज है यहाँ पे, ठीक है, बच्चों को अच्छे लगते हैं फ्राइज, इसमें हमने ऊपर से थोड़ा बहुत डालेंगे ब्लैक पेपर, राइट, एंड इसको थोड़ी बहुत हरी चटनी डालेंगे इसमें, और जरा सी डालेंगे क्रीम। आजकल बच्चे नॉर्मल फ्राइज नहीं खाते, आपको पता है बेल्जियम फ्राइज खाते हैं मेयोनीज डाल डाल के, तो मेयोनीज से अच्छा तो आप उन बच्चों को ये क्रीम डाल के खाओ यार, क्रीम दूध है। जितने भी लोग देख रहे हो ना, वो लोग आपको लगता है मेयोनीज बड़ी हेल्दी है, मेयोनीज इज मेड ऑफ जस्ट ऑयल, नॉट यू नो मिल्क प्रोडक्ट, तो मेयोनीज से बेटर है क्रीम खाओ, देसी माल है। एंड ये हमने साथ में अपने फ्राइज ऐसे रख दिए हैं, तो इसमें मैंने टमाटर नहीं डाला, राइट, टमाटर का यूज नहीं करा बिकॉज वो मॉइस्चर छोड़ता है, आप डालो तो अपने हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हो। दिस इज आवर बर्गर रेडी, खाने के लिए तैयार है, बिल्कुल बढ़िया सा सीख बर्गर। शेफ मेरा तो बर्गर तैयार है, देसी बर्गर, चीयर्स, खा के देखते हैं कैसा है। सीख कबाब अच्छा ही होगा, मैंने बनाया बर्गर, ब्यूटीफुल। अरे यार इसमें जो सीख कबाब के साथ चीज और जो आपने हरी चटनी बना के डाली है ना, उसका स्वाद लाजवाब। फ्राइज जैसे बेल्जियम फ्राइज लोग मेयोनीज में डाल डाल खाते हैं ना, हाँ। मैं देसी बनाया क्रीम और हरी चटनी का, परफेक्ट, थैंक यू। अब आप बनाओ, चलिए ठीक है शुरू करते हैं। तो ठीक है, बारी मेरी है, शुरू करते हैं अपना चिकन बर्गर बनाना, जिसके लिए मैं कच्चा चिकन इस्तेमाल करूंगा, चिकन ब्रेस्ट। पहले सबसे इसको हम करेंगे थोड़ा सा मैरिनेट, एक बोल में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ज्यादा नहीं, अबाउट 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। इसमें हम डालेंगे चिकन ब्रेस्ट के, मैंने 2 पीसेस किए हैं, 1 पीस ले लेंगे फॉर 1 बर्गर। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर, ये इसमें गया पेपर पाउडर, और ये जाएगा इसमें एक चुटकी भर सॉल्ट। ऑलराइट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वाला है सॉल्ट एंड पेपर को इस ऑयल में अच्छे से करें मिक्स, और इस चिकन को बढ़िया से इसमें मिला लें, और जब तक हम बाकी तैयारी करते हैं इसको हम छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए। इनफैक्ट आप चाहें तो इसमें थोड़ी पार्सले भी डाल दें, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ड्राइड पार्सले मेरे पास है। दोबारा एक अच्छा सा मिक्स, एंड इसको हम छोड़ देंगे मैरिनेशन के लिए अबाउट 10 मिनट तक, तब तक हम बाकी तैयारी करते हैं। 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, हमने अपने बर्गर बंस को काट लिया है, हमने कुछ फ्राइज को भी तल लिया है, एंड इनफैक्ट कुछ कोल्सलॉ बनाने के लिए तैयारी कर ली है। अब इंडक्शन करेंगे ऑन क्विकली, और इसमें कोई ऑयल बटर कुछ भी नहीं, एक बार गर्म हो जाए डायरेक्ट वो चिकन जिसमें ऑलिव ऑयल है इसके अंदर जाएगा, सो वी कैन कुक इट नाइसली, सियर इट। इसकी कुकिंग करेंगे अबाउट हम लोग 7-8 मिनट तक। तो ये हल्का गर्म होना शुरू हो चुका है, हमने लिया अपना चिकन ब्रेस्ट, इसका ऑयल पूरा ड्रेन आउट कर लिया, एंड ये जाएगा सीधा पैन पे। एक अच्छी सी सिजलिंग साउंड आनी शुरू हो रही है, एंड इसको हम अबाउट 2.5 से 3 मिनट एक साइड पे पकाएंगे। थोड़ा सा जो मैरिनेट का मिक्सचर पचा हुआ था ऑयल का, हर्ब्स का, इसमें डाल के इसको हिला लेंगे, तो पलटने के बाद 2.5 मिनट इसको इस साइड पे भी पकाएंगे, फिर इसको ढक के हम पकाएंगे लगभग 1 से 1.5 मिनट, एंड दिस विल बी एब्सोल्युटली रेडी। तो चिकन हमारा डन हो चुका है, ये देखिए कितना अच्छा सुंदर गोल्डन कलर आया हुआ है इस चिकन में, इसको तो एक्चुअली देख के खाने का मन कर रहा है, इट इज़ रियली रियली ब्यूटिफुल लुकिंग चिकन। ये बढ़िया से पक चुका है, इंडक्शन बंद, और ये चिकन जाएगा सीधा हमारे चॉपिंग बोर्ड पे, ये गया चिकन चॉपिंग बोर्ड पे, और इस चिकन को अब हम करेंगे बढ़िया से स्लाइस, थोड़ा सा तिरछा। चिकन रेडी, एक कांटा लगा के हल्के हाथ से एक नाइफ से, चिकन देखिए कितना अच्छी तरह पक चुका है, एकदम अंदर से वाइट कलर आ चुका है, दैट मीन्स दिस चिकन इज टोटली कुक्ड, अगर ये रेडनेस हो मतलब पका नहीं है। अब बारी है बर्गर असेंबल करने की, इंडक्शन दोबारा ऑन। याद रहे जिस पैन में चिकन हमने पकाया था उसी पैन में हम बर्गर के बंस को गर्म करेंगे, इसकी जो ऑयल्स हैं कुछ ग्लेजिंग है उससे हमारा बर्गर बन जो है कोट हो जाएगा, एंड दैट विल लुक रियली नाइस एंड इट विल टेस्ट वेरी नाइस। तो इस बन को हल्का सा इस पैन पे हम लोग रब करेंगे, ये देखिए ब्राउननेस कितनी अच्छी आ गई इसके अंदर, एंड सेकेंड वाले को भी हम लोग अच्छे से करेंगे, और अब इसको हम लोग कर लेंगे थोड़ा गरम। देखिए कितने अच्छी तरह से चिकन के जूसेस ने इस बन को
पे, एकदम लो हीट पे। तो बर्गर के बेस को पैन में रख के उसके ऊपर हम डालेंगे ये चीज स्लाइस, एक स्लाइस उसके ऊपर डाल के हम इस पैन को बिल्कुल लो हीट पे रख के, एकदम लोएस्ट हीट पे रख के ढक देंगे ताकि चीज स्लाइस हल्का सा मेल्ट होना शुरू हो जाए। एंड बाय द टाइम हम इसको असेंबल करेंगे बढ़िया से मेल्ट हो जाएगा। अब मेरे पास एक बोल में थोड़ी कटी हुई लेटस है, लेटस यानी सैलेड लीफ, लेटस पत्ता गोभी भी ले सकते हैं, जूलियन लंबे लंबे स्लाइसेस शिमला मिर्च के, ये गया इसमें शिमला मिर्च, ये थोड़ा सा कम कर देते हैं, हमारी थोड़ी सी जूलियन गाजर, ये जूलियन गाजर है थोड़ी सी इसके अंदर, इसमें मैं डालूंगा मेयोनेज, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था ना ये होम मेड ऑलिव ऑयल मेयोनेज है, बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी में भी डाल रहा हूँ, सिर्फ एक चम्मच, और इसके अंदर डालूंगा मैं थोड़ा सा पेपर, हल्का सा पेपर, एंड इसको हम कर लेंगे बढ़िया से मिक्स। ये हमारा कोल्सलॉ हो गया रेडी, ये एक सैलेड है, एंड देखिए कितने बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका है मिक्स होके, एब्सोल्युटली डन। टाइम टू ओपन द बर्गर, एंड ये चीज स्लाइस बढ़िया से मेल्ट होना शुरू हो चुका है, थोड़ा सा और 10-15 सेकेंड और, एंड नाउ इट इज टाइम टू असेंबल द बर्गर, मतलब बर्गर को हम एक साथ जोड़ेंगे। इसको करें बंद, ये हमारा एकदम से बढ़िया से बर्गर का बेस रेडी हो चुका है, ये गया इस पे, एब्सोल्युटली गुड। इसके ऊपर थोड़ा सा कोल्सला जो हमने बना के रखा था, ये देखिए ये गया इस पे कोल्सला, बेहतरीन। इस पे जाएंगे हमारे चिकन के पीसेस, ये एक दो तीन एंड चार पांच। वेट, अब ये ऐसे रहेगा, बारी है बाल्सामिक विनेगर की रिडक्शन बनाने की। इसके लिए एक खाली पैन, इसमें हम डालेंगे बाल्सामिक विनेगर, ये एक विनेगर का टाइप है, हर जगह अवेलेबल होता है बहुत इजीली। थोड़ा सा बाल्सामिक विनेगर, ये गया बाल्सामिक विनेगर, मीडियम हीट पे इसमें डालेंगे हम लोग थोड़ा सा ऑरेंज जूस, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ऑरेंज जूस, एंड इसको हम लोग तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। ब्यूटिफुल, सेम स्पैचुला चिकन वाला, इसमें गाढ़ापन लाना है। इसमें आप हनी डाल सकते हैं, थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, मेरे पास इस वक्त ब्राउन शुगर है नहीं, मैं नॉर्मल चीनी डालूंगा, और ये गई इसमें अबाउट 1 टीस्पून चीनी, बढ़िया। एंड इसको पकने दे, ये बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने ऑरेंज जूस थोड़ी फ्लेवरिंग के लिए डाल दी है, चीनी थोड़ी गाढ़ेपन और मिठास के लिए डाल दी है, बाल्सामिक विनेगर में खटास अपनी एक नेचुरल होती है, बस 2-3 मिनट के अंदर ये बाल्सामिक विनेगर की रिडक्शन जो है एकदम से रेडी हो जाएगी। एकदम पतला वॉटरी होता है लेकिन बढ़िया से गाढ़ापन इसमें आ रहा है, गले और नाक में लगती है तो कभी कभी खांसी आने का स्कोप होता है। ऑलमोस्ट डन, जी हाँ इट इज डन, इंडक्शन ऑफ। अब बारी है प्लेटिंग की, तो ये बाल्सामिक विनेगर के कुछ ड्रॉप्स गए इस प्लेट, सॉरी इस बर्गर के ऊपर। ऑलराइट, अब बारी है इस पे डालने के, 2 या 1 या 3 जैसे आपको अच्छा लगे, क्यूकम्बर यानी खीरे के स्लाइसेस, ये गए इस पे खीरे के स्लाइसेस, एंड इसके ऊपर से ये गया इसका बन। गार्निश के लिए मैंने कुछ क्यूकम्बर रोल्स और बीटरूट की गार्निश बनाई है, ये जाएगा डायरेक्ट इसके अंदर, लुक एट दैट। एंड साथ में मेरे पास कुछ जूलियन बीटरूट है जो हम लोग रैंडमली इस प्लेट पे डाल देंगे। ये क्या बर्गर बनाया शेफ? ये एक चिकन बर्गर है। अच्छा, एंड इसके अंदर ऑफकोर्स जो कोल्सलो है उसमें मेयोनेज है, लेकिन ये हेल्दी होममेड ऑलिव ऑयल वाली मेयोनेज है। अच्छा, जितनी आपने तारीफ कर दी थी मेयोनेज की, उसके बाद हिम्मत नहीं होती थी बाजार की मेयोनेज यूज करने की मेरी। खा के देखें, खा के देखिए और बताइए कि बर्गर है कैसा। ऑलराइट, अच्छा, मतलब थोड़ा मैच्योर टेस्ट था, थोड़ा डिफरेंट हटके,
दिस इज होस्ट निखिल चावला एंड शेफ सिद्धार्थ तलवार. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड शो लॉट ऑफ लव टू अस. अगर आपको ऐसी रेसिपी वीडियोस पसंद है, मेरे को 10,000 का कम से कम लाइक का चाहिए 2 दिन के अंदर. अच्छा 10,000 का. हमने कभी टारगेट सेट ऐसा करा नहीं. चलो 10,000 लाइक चाहिए इस वीडियो के ऊपर 2 दिन के अंदर अंदर. तो लेट्स होप, लेट्स वेट फॉर योर लव और देखते रहिए इनका चैनल. अच्छा मुझे बताओ, आपको पनौते क्यों बोलते थे? मैं सबको एलिमिनेट कर देता हूँ. अच्छा 6 लोग एलिमिनेट किए मैंने. अच्छा 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 अब बताओ.